रहेगा ना सर। मेरा खत्म नहीं हुआ, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरी बात सुनो, नौकरी तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। नौकरी तुम हो, मैं नहीं हूँ, पहली बात है। सुनो, दूसरी बात है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि रिकवरी एजेंट्स के सीनियर से बात हो रही है कस्टमर की, और वो कस्टमर को ये बोल रहा है कि अगर कस्टमर गलत कमिटमेंट करता है तो उसको गाली पड़ना जायज़ है, और उसको गाली देते हैं रिकवरी वाले, पोस्ट वाले गाली देते हैं। और जब वही कस्टमर उसके सीनियर को नौकर बोल देता है कि तू पोस्ट पे का नौकर है, तो उसको कैसे मिर्ची लग जाती है और कैसे फड़फड़ाने लगता है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच। कर रहे हो क्या? अरे इंसान पेमेंट नहीं करेगा तो लास्ट तो गाली दोगे, क्या करेगा? गाली दोगे तो क्या करेगा फिर? ये आपको चेक करेगा? करना है, ये आपको चेक करना है क्या करेगा तो? लेकिन गाली देगा, मेरे सवाल का जवाब दो, गाली देगा, सवाल का ये जवाब दो। आए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सुनो मेरी बात, कस्टमर पेमेंट, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, सीधे सवाल का सीधे जवाब दो। कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, कस्टमर कमिटमेंट फेल हो रहा है, तो क्या आपका बंदा गाली देगा? सर सीधा जवाब दो, हाँ या ना, आपके जवाब से पता चल रहा है आप क्या चाह रहे हो। हाँ, गाली देगा, हाँ, और गाली देके पैसा मिल जाएगा, गाली देंगे पैसा मिल जाएगा, चली जाएगी, गाली देंगे पैसा मिल जाएगा, उसको परेशान कर दोगे तो वो क्या करेगा? अरे गाली देके पैसा मिल जाएगा। अरे तो सर ये तो ऐसा बोलो कि आपका वहाँ पे अभी तक हमारा जो पोस्टिंग का जो है ना, वो टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। अगर फिजिकल होती ना, फिजिकल प्रोसेस होती ना, तो बंदा आपके घर पे भी आता और वहाँ पे भी हो सकता है झगड़ा होता। वहाँ पे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी मेरी सुनो मेरी बात, मेरी लाइन रिकॉर्डिंग में सुनो मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात, रिकॉर्डिंग लाइन में सुनो। नहीं मेरी नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरा खत्म नहीं हुआ, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरी बात सुनो, नौकरी तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। नौकर तुम हो, मैं नहीं हूँ, पहली बात है। सुनो, दूसरी बात है, तुम्हारे पास एड्रेस है मेरा, तुम्हारे पास एड्रेस है, तुम्हारे पास एड्रेस है मेरा, तुम सुनो मेरी बात। रिस्पेक्ट से बात कर रहा था मैं, रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ तुम्हें, नौकर वर्ड यूज मत करना, क्योंकि तुम हो, तुम जॉब कर रहे हो ना, तुम जॉब कर रहे हो ना, जॉब कर रहे हो ना, मैं जॉब करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर साइड में गई पोस्ट पे, नौकर वर्ड का जो रिकॉर्डिंग है ना, उसे डाल दिया ना, तो प्रॉब्लम में आ जाओ। सर मुझे धमकी दे रहे हो, खुद ही बोल के मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी बोल सकते हो? मैंने तुम्हारी, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मुझे नौकर नहीं बोल सकते, सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें नहीं बोला, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, नहीं बोल सकते, सॉरी बोलो सर, अभी भी बोल रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी का पेमेंट गया खड्डे में, झूठ बोल रहा है। ओके, सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो सर। मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, मैं बोलूँ, सॉरी बोल दो। हाँ मैं, आप नौकर नहीं हो, पहले इतना बोल दो। आप जॉब नहीं कर रहे हो? नौकर नहीं है, इतना बोल दो, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। आप पोस्ट पे मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, सुनो मेरी बात, जो मुझे ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नौकरी करने का हक देता है, तो तेरी माँ की झूठ भरने के लौड़े साले कुत्ते के भड़ुए भोसड़ी के, तेरी माँ की झूठ पोस्ट पे से माँ चुदाले भोसड़ी के, लो भरने के लौड़े साले माँ चुदाले भोसड़ी के, माँ चुदाले भोसड़ी के, भरने के लौड़े पोस्ट पे के कुत्ते साले, पोस्ट पे के तल्ले भोसड़ी के, माँ चुदाले भोसड़ी के, पहुंचने के तहत तू पहुंचने का नौकर नहीं, भोसड़ी के जो तू पहुंच के भड़ुए भोसड़ी के, तू पहुंचने के पैसे नहीं कमा रहा है जो तेरे वाली थी, मैंने माँ दर्ज अरे माँ दर्ज तेरी माँ दर्ज दूंगा बहन के साले, पहुंचने का नौकर नहीं, तू भोसड़ी के तेरे बहन की तू भोसड़ी के, तू पहुंचने का नौकर तू है बहन के, तू पहुंचने का नौकर है बहन के, तू पहुंचने का नौकर है भोसड़ी के, तेरी माँ की तू पहुंचने का नौकर है, तू पहुंचने का नौकर है बहन के, माँ चुका ले तेरी माँ की चूत, तेरी माँ चुका बात है, मेरी बोल रही है नौकर साले, आजा लेने लगे भोसड़ी के, बहन का लौड़ा साले चूजे, तेरी माँ चुता हूँ भोसड़ी में, पोस्ट पे के नौकर भैंसो, तू पोस्ट पे का नौकर है भोसड़ी के, तू पोस्ट पे का नौकर है भैंसो, नौकर ही रह जाएगा भैंसो, तू पोस्ट पे का नौकर है, नौकर रह जाएगा भैंसो, तू पोस्ट पे का नौकर है, तू लड़ने मेरा भोसड़ी के, पोस्ट पे का नौकर तेरी माँ के जो, आजा ले ले पैसे भोसड़ी के, तू सौ बाप के औलाद है बहन कर, तू सौ बाप के औलाद है भोसड़ी के, पोस्ट पे के नौकर भैंसो, तू पोस्ट पे का नौकर नहीं है भोसड़ी के, तू पोस्ट पे का पिल्ला है भैंसो, पोस्ट पे का पिल्ला है भैंसो, भोसड़ी के पोस्ट पे का कुत्तों के टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता है तू भोसड़ी के, पोस्ट पे के टुकड़ों पलने वाला कुत्ता है भैंसो, तू भोसड़ी के पोस्ट पे का पिल्ले, पोस्ट पे के नौकर माँ चुत वाले भोसड़ी के, पोस्ट पे के नौकर अब तू पैसा लेकर देगा, तेरी माँ की चुत वाला भोसड़ी के भैंसो, तू पोस्ट तू माँ चुत वाले लगे कुछ बेदम नहीं, तेरी माँ की चूत में दम है भोसड़ी के, भोसड़ी तेरा बाप हो बहन के, तेरा बाप हो भोसड़ी के, मैं तेरी माँ चुत रहा हूँ भोसड़ी के, तेरा बाप हो बहन के, तेरी माँ चुत रहा हूँ भोसड़ी के, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप हो भोसड़ी में, पोस्ट पे का बाप हो बहन के, लड़ में बहन के लौड़े तो लड़ मस्तो, माचूत वाले फिर आजा माचूत वाले फिर आजा माचूत वाले भोसड़ी के, पोस्ट पे के नौकर बहन के, लड़ पोस्ट पे के पिल्ले भोसड़ी के, आजा माचूत वाले आजा ना, आजा माचूत वाले
माचो माचूद वाले भोजड़ी के लड़के तो माचो सब 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 लड़कों माचूद वाले सब लड़कों सब नहीं माचूद वाले भोजड़ी के सब लड़कों नहीं माचूद वाले भोजड़ी के पोस्ट पे के पिल्ले बैंचोत पोस्ट पे के नौकर बहन के लंडे साले नौकरी कर रहा है भोजड़ी के बात समझ रहा है भोजड़ी के तो पोस्ट पे अपने आपको मादर चोत साले चूती है बहन के लड़े तो लट तो झाट उखाड़ ले मेरे भोजड़ी के झाट उखाड़ ले। हेलो हेलो सुनीत भाई। हाँ जी सर, ये पोस्टी का आपका 2,41,000 का पहले पेमेंट बाकी है। किसका? 2,41,000। किसका? पोस्टपे का। पोस्टपे का मेयर पुनीत कुमार की थी। हाँ बताइए बताइए सर, क्या करने का है? भरने का? यार आप लोग गाली गलौज कर रहे हो फिर पैसा भी मांग रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? किसने गाली दी सर? आप चेक करो, आप रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करते हो किससे कसम से? क्या बात हुई? कौन गाली दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? हर महीने डेटा चेंज हो रहा है। पिछले महीने गाली गलौज हुई है भाई। आप मुझे मेरी आईडी बताओ, आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। एक मिनट, चालू रखिए, चालू रखना सर। हेलो हेलो सुमित कुमार जी। जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम हुई? सर बोल तो दिया मैंने, अब दोबारा रिपीट करूंगा क्या मैं? आपके बंदे ने सुना नहीं है क्या? हाँ उन्होंने डायरेक्ट कॉल मुझे ट्रांसफर किया। तो कुछ कॉल ट्रांसफर करने से पहले कुछ बताया नहीं उन्होंने आपको? चालू रखिए, मैं पूछ लेता। पूछिए जरा उससे। हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए, आपको कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम है? बोलिए जी। हाँ बोलिए सर, क्या प्रॉब्लम? कह रहा हूँ पिछले महीने आपके बंदे ने अब्यूज किया है, गाली गलौज की है मेरे साथ। कब हुआ ये? पिछले महीने की बात है। आप लोग रिकॉर्ड तो रखते हो ना कसम से? कॉल बात करते हो, ये रिकॉर्ड नहीं रखते हो? नहीं एक्चुअली क्या होता है कि ये हर महीने डेटा अलग अलग जगह पे जाता है, जैसे कभी मुंबई कभी गुजरात कभी पुणे। तो आप कहाँ से? आपको लास्ट मंथ कॉल आया था वो? ये तो आप ही बताओगे सर, ये तो आप चेक करवाओगे ना? हाँ वो मैं ही चेक करवाऊंगा। लेकिन सर ऐसे ही तो कोई गाली क्यों देगा? सर ये तो आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, सुनो मेरी बात, ये आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, मैं पहली बात सुन लीजिए सर, आपने जो आपकी प्रॉब्लम बताई है सामने आंसर भी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप पहले कस्टमर हो, मुझे ये मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन आई है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट कस्टमर हो। इससे पहले भी कुछ कस्टमरों ने इतने बार कंप्लेन किया था, पर जब हमने कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया और जो भी कंसर्न पर्सन जिन्होंने गाली दी थी उनको ऊपर जब हमने एक्शन लिया तो उनका कहना ये था कि कस्टमर हमें ये बोलते हैं कि हम ये तारीख को पेमेंट करेंगे, उसके बाद या तो वो फोन नहीं उठाते हैं या स्विच ऑफ रखते हैं, और अगर उठाते हैं तो बोलते हैं कि अभी पेमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में गाली दोगे? कस्टमर के पास पैसा नहीं था? नहीं तो कस्टमर के पास पैसा नहीं होता सर, तो उसको कमिटमेंट ही नहीं देना। तो ऐसे केस में गाली दोगे आप? ये मुझे जवाब दो सीधा। तो वो तो देखिए सर, परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है, उसके अंदर हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये तो तय हो गया, इसका मतलब ये तो तय हो गया आपकी बातों से, ये तो साफ पता चल गया ना कि आपके बंदे गाली देते हैं। मैं पहला नहीं हूँ जिसको गाली पड़ी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको वही बोला सर कि उसके अंदर अकेले कस्टमर की गलती, बंदे की गलती होती नहीं। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सीधी सुनो, आपका एजेंट गाली दे रहा है, आप कह रहे हो उसकी गलती नहीं है। अरे डेट गई, आने गई, पीछे गई, फोन स्विच ऑफ हो गया, रिप्लाई नहीं दिया, जो सब कुछ हुआ। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, वो सर सुनो मेरी बात, पैसा उसका यूज किया क्या जो गाली दे रहा है? जवाब दो इस बात का। वो एक मिनट तो सर, अब आपके घर पे मान लीजिए कि अदानी का गैस आता है। घर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, घर वाले सुनो मेरी बात, घर वाले गए माचूदाने, मेरी बात सुनो, घर वाले गए माचूदाने। मेरे को आप इस बात का जवाब दो, आप मैं भी उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। सुनो सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी बात, आपको आपको तो उस भोजड़ी वाले को, उस भोजड़ी वाले को किसने दिया? अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप ऐसे बात करोगे तो वो वैसे ही बात करेगा ना। अरे मैंने तो ऐसे बात नहीं करी, आप रिकॉर्डिंग तो सुन लो पहले, किसने कैसे बात करी? आप पहली बार सेक्शन में आ रहे हो सर। लेकिन तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कमिटमेंट दिया होगा तो, और आपके कमिटमेंट तो ऐसा नहीं बढ़ा। अरे भाई मेरे सुनो मेरी बात, मैंने कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट पैसा नहीं भरा तो क्या वो गाली देगा? इतनी औकात है उसकी? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए सर अब औकात की बात, औकात तो सर किसी की नहीं। अगर आपकी औकात होती तो आप 2,00,000 रुपए नहीं भर देते? मेरी औकात थी तभी मुझे 2,00,000 मिले ना।
मेरी औकात थी 2 लाख मिलने की, मुझे मिले तो उसने तो कुछ भी मिल जाता है। तो सर एक काम करो, 2 लाख और दे दो, कुछ मिल जाता है तो। मैं वही बोल रहा हूँ, मिलने के लिए तो कुछ भी मिल सर, बात मिलने के लिए। आप मेरी सीधी, सर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आप मेरी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ कि उसको गाली देने की परमिशन किसने दे रखी है, सीधा जवाब दो मुझे। मैंने क्या बोला सर, वो परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन। सर सुनो मेरी बात, परसेप्शन एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। आपने खुद बोला ना कि आपके कई कस्टमर को गाली गलौज छुई है, आपने बोला ना, खुद बोला, रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो कर लो, मैं रिकॉर्डिंग में चालू कर रहा हूँ। आपने खुद बोला कि आपके पास कंप्लेन आई हुई है और गाली गलौज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके एजेंट गाली गलौज करते हैं, पहली बात नहीं है, इसका मतलब गाली गलौज करते हैं। मैं तो आप लोग एक्शन कर रहे हो उससे, फिर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो कितना तो गाली देगा भाई, मेरे फॉलोअप करेगा, फॉलोअप करने उसका काम है, गाली देने उसका काम नहीं है। सर फॉलोअप करना हमारा काम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है, लेकिन उसके लेकिन लिए आप तो प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, आपको कॉलिंग नहीं करना होता, आप तो प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, आप तो गाली गलौज कर रहे हो। तो क्या, अरे इंसान पेमेंट नहीं करेगा तो लास्ट गाली दोगे, क्या करेगा, गाली दोगे तो क्या करेगा फिर, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है क्या करेगा। तो लेकिन गाली देगा, मेरे सवाल का जवाब दो, गाली देगा, सवाल का ये जवाब दो, आए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सब सुनो मेरी बात, कस्टमर पेमेंट सुनो मेरी बात, सुनो।